अब कन्वर्ट करने के बाद हिमांशु भैया बहुत चेंज हो जाते हैं, थोड़ी तो कहना गलत होगा, बहुत चेंज हो जाता है। हर एक चीज का अपना मजा होता है, कन्वर्टेबल कार का मजा ही अपना है ना। इसकी 355 BHP पावर है भैया, 355 BHP है इस गाड़ी के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक तो टू डोर कार है और ये फोर सीटर नहीं है, पहली बात ये टू सीटर ही है। हम किसी कन्वर्टेबल गाड़ी से इसको कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं भैया। SLK से? SLK अलग चीज है भैया, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ये न्यू जनरेशन कार है। अगर कंपैरिजन करना है तो BMW लगता है कि 9-10 की तो मिलती ही होगी। मतलब ये मोड्स के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, मोड्स का बहुत फर्क पड़ता है। आप स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हो तो आपको दो तीन क्या कहते हैं, मतलब 4-5 तो मिल ही जाएगी, 5-6 की मिलेगी आपको। हाँ सही बात है भाई, मोड से तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। 3 लीटर का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, इनलाइन 6 सिलेंडर, तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाएंगे, पावर टेस्ट करेंगे, तो यकीनन ये माइलेज थोड़ी सी डाउन देगी। अब बात करें इसको स्टार्ट करके कि क्या थंप है इस गाड़ी का, तो हिमांशु भैया प्लीज आप एक बार गाड़ी के अंदर बैठें और एक बार गाड़ी को ना स्टार्ट करें। तो एक बार जब आप देखना इसका थंप कितना बढ़िया आएगा, जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी ना तो आपको एक बहुत अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा आपको 3 लीटर में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय budmo.com। दोस्तों अगर आप किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट के लिए परेशान हो रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विजिट कर सकते हैं www.budmo.com पे। अगर आपके पास इंडियन सेगमेंट की कार है या आपके पास लग्जरी सेगमेंट की कार है तो आपको budmo.com पे मिलते हैं हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट, नो मैटर पार्ट इंजन से रिलेटेड है, टायर से रिलेटेड है या किसी से रिलेटेड आप पार्ट ढूंढना चाह रहे हैं स्पेयर पार्ट किसी भी गाड़ी का, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं www.budmo.com पे, क्योंकि budmo.com आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है पैन इंडिया, आपके डोर स्टेप पे आपका स्पेयर पार्ट डिलीवर हो जाता है विदाउट एनी टेंशन। और इसी के साथ साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं budmo की ऑफिशियल ऐप, जो कि एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर दोनों में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही गर्म माहौल है दिल्ली का, और इस गर्म माहौल में हम आपके लिए एक ऐसी हॉट डील लेके आए हैं ऑटो बेस्ट इंपीरियो के स्टॉक से कि आप देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में कन्वर्टेबल गाड़ी के जो लवर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हर किसी को चाहिए एक कन्वर्टेबल कार अपने घर में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं BMW का ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा इन डिमांड रहता है और ब्लैक कलर के तो कुछ कहने ही नहीं। ये है न्यू शेप की BMW Z4, इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक नए चेहरे ऑटो बेस्ट इंपीरियो से जिनका नाम है हिमांशु। तो हिमांशु भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, बताइए कैसे हैं। एक बार हाय जरूर कर दें हमारे ऑडियंस को। हिमांशु भैया आज की जो हम गाड़ी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं, और मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं अब हिमांशु भैया हमारे साथ फ्रीक्वेंटली आएंगे, हिमांशु भैया की फर्स्ट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि भाई का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो और आने वाले टाइम में आपको इंटरेस्टिंग डील्स हिमांशु भैया के साथ भी हम आपको दिखाएंगे। तो हिमांशु भैया शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के नाम से शुरू करते हैं।
भैया BMW Z4 है ये 40i, ठीक है। अब 40i और 30i आती है, 20i आती है, 20i आती है, 40i आती है, पहले 35i आती थी, हाँ जी, अब 20i आती है, 40i आती है। तो जैसे 20, 35 और 40 में फर्क क्या है? 20i में भी है 2 लीटर इंजन आता है, ठीक है, ये 40i है इसमें 3 लीटर इंजन आता है। तभी मैं जब टेस्ट ड्राइव पे था तो ये काफी अच्छी स्पीड में भाग रही थी। हाँ जी भैया, इसकी 355 BHP पावर है भैया, 355 BHP है इस गाड़ी के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक तो 2-डोर कार है और ये 4-सीटर नहीं है, पहली बात, ये 2-सीटर ही है, 2-सीटर रोडस्टर कहते हैं इसे, 2-सीटर रोडस्टर। तो कुछ बताइए इस गाड़ी के बारे में। LED लैंप्स आते हैं इसके अंदर, हाँ जी, और फ्रंट ग्रिल की बात करें तो BMW किडनी ग्रिल कहते हैं इसे, राइट राइट राइट। और मेन बात जो है ये ब्लैक एक्सटीरियर विद रेड इंटीरियर है। तो ये एक बात जैसे हम डिस्कस कर, हाँ, जैसे हम ऑफ द कैमरा एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीज आप बता रहे थे कि यार इसके अंदर रिवर्स कैमरा, वायरलेस चार्जर, ये सब लोडिंग होती है, लोडिंग होती है, तो रेड इंटीरियर लोडिंग है, रेड इंटीरियर है ना, वो लोडिंग्स है। अच्छा, कैमरा रिवर्स कैमरा है इसमें, वो लोडिंग्स है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं इस चीज के लिए, एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, और कस्टमर ने ऑलरेडी पे करे हुए, और क्या क्या इसके अंदर लोडिंग हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। अब इसके अंदर जो आपके मल्टी बीम जो LED हेडलैम्प्स आते हैं वो देख सकते हैं जो कितने अच्छे हैं, और ये एक स्पोर्ट्स कार का आपको पूरा फील देती है, क्योंकि बंपर भी आप देखेंगे तो स्पोर्टी बंपर अपने को देखने को मिलता है। लेंथ इसकी ज्यादा लंबी नहीं है वैसे, लेंथ भी है इसकी ठीक है, जो एक प्रॉपर रोडस्टर होती है ना, हाँ जी, उसको एक कम्पीट करती है, क्योंकि 3 लीटर इंजन इस प्राइस टैग में यही मिलती है। हम किसी कन्वर्टेबल गाड़ी से इसको कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं भैया। SLK से? SLK अलग चीज है भैया, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ये न्यू जनरेशन कार है। अगर कंपैरिजन करना है तो BMW Z35i का कंपैरिजन होता। अच्छा, BM का, BM से ही कंपैरिजन करेंगे हम। मर्सिडीज SLK आती थी ना, हाँ जी, वो 35i थी। अच्छा अच्छा, उसका कंपैरिजन उससे होता था, क्योंकि वो हार्ड टॉप आती थी और SLK भी हार्ड टॉप होती थी। राइट राइट राइट। अच्छा, ये बात गौर करेंगे आप, तो ये जो कन्वर्टेबल कार है ये सॉफ्ट टॉप में है, मतलब ये कपड़े की छत है, और अलॉय व्हील साइज देखेंगे, मतलब इतनी छोटी गाड़ी के इतने अट्रैक्टिव रिम्स, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई आफ्टर मार्केट तो नहीं है, BMW के स्टॉक रिम्स हैं, स्टॉक अलॉयज हैं ये। और बात करें इसके प्रोफाइल की, तो मैं देखना चाहूंगा कितने इंचेस लगे हुए हैं इसके अंदर, 19 इंचेस है। और पीछे से एक बार प्रोफाइल देखो, पीछे से आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में? सब बहुत ब्यूटीफुल कार है, अगर इसकी टेल लैंप्स की बात करें, एडजेसेंट होते ना इसके साथ, वो चीज एक बहुत सुंदर लगती है गाड़ी में, वाकई में बहुत सुंदर लगती है। अब इसका मैं आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ कि कितना स्पेस है, क्योंकि भाई देखो इन गाड़ियों में आप ये तो कह नहीं सकते कि आपको मैसिव स्पेस मिलेगा, स्पेस की चीज नहीं है। 280 लीटर्स का बूट स्पेस होता है इसमें, जिसमें एक स्पेयर व्हील दिखता है मेरे को, डोनट टायर, देन उसके बाद नीचे कुछ स्पेस मिल जाता है, जैसे मैंने अपना बैग भी रखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बॉडी कवर भी रखा हुआ है गाड़ी का, एक डिसेंट स्पेस है, और मैनुअली बंद होता है ये बूट। तो अब बात करें इसको स्टार्ट करके कि क्या थंप है इस गाड़ी का, तो हिमांशु भैया प्लीज आप एक बार गाड़ी के अंदर बैठें और एक बार गाड़ी को ना स्टार्ट करें। मतलब आप देख रहे हो जो गुर्राहट है इस गाड़ी की, 3 लीटर है शायद इसलिए, ये जो नॉइस आपको सुन रही है ना, हाँ जी, ये 3 लीटर इंजन में ही मिलेगी आपको। हाँ, 2 लीटर जो मजा 3 लीटर का है वो 3 लीटर में ही है। सही बात है, इंजन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी की परफॉर्मेंस इनहेंस होती है, और ये तो M है ऑलरेडी Z4। तो बात करते हैं इसकी मेन चीज की, मेन चीज क्या होती है जी, गाड़ी की जो अट्रैक्शन होती है, और इस गाड़ी का जो अट्रैक्शन है वो है इस गाड़ी का कन्वर्ट होना। एक बार आप प्लीज बैठिए और एक बार हिमांशु भैया इसे कन्वर्ट करके दिखाएंगे, तो आप टोटली डिफरेंट हो जाएगी गाड़ी। अभी तो देख लीजिए, अभी तो आपको इतनी ज्यादा खास पता नहीं कहीं हो, कोई लग रही हो ना लग रही हो, मुझे तो इतनी खास नहीं लगती। जैसे ही ये रूफ खुल जाएगा ना, वहां पे बटन दिया हुआ है, हिमांशु भैया ने प्रेस किया, और विद इन आई थिंक 5 to 6 seconds ये गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है। अब आप खुद देख लीजिए कि गाड़ी की जो प्रोफाइल है वो कितनी ज्यादा चेंज हो गई है, इनहेंस हो गई है। Z4 की ब्रांडिंग आपको यहाँ भी मिलती है, देन हिमांशु भैया ने जैसे बताया, एक बार बाहर आ जाएंगे, वॉल्यूम कम करके एक बार आप कन्वर्ट करने के बाद हिमांशु भैया बहुत चेंज हो जाते हैं, थोड़ी तो कहना गलत होगा, बहुत चेंज हो जाता है। हर एक चीज का अपना मजा होता है, कन्वर्टेबल कार का मजा ही अपना है ना, रूफ ओपन करके चल रहे हैं। राइट राइट। हालांकि ये वाला मौसम नहीं है, लेकिन इसका भी वेदर होता है इंडिया में, कि भाई जिस वेदर में आप इस गाड़ी को चलाएंगे वो ठंडा वेदर होना चाहिए, ताकि आपको फील आए। अब बात करते हैं इसके इंजन की, कि एक बार इसका बूट ओपन करते हैं, क्योंकि एक प्री ओन्ड कार है, 3 लीटर इंजन है, कंडीशन में आज आपको इसकी दिखाता हूं, 3 लीटर इंजन आखिर दिखता कैसा है इसके अंदर वो देखते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट ही है, तो एक बार ओपन करते हैं, मांझू भाई प्लीज हेल्प करिए। ये देखिए जी, ये है जी M परफॉर्मेंस BMW, और कंडीशन 3000 cc, हां जी, 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन है, इनलाइन है ये, हां V6 नहीं है ये, इनलाइन 6 सिलेंडर है। भाई साहब पावर ऐसी है, मैं कभी ड्राइव पे भी आपको लेके जाऊंगा। बाकी हम बात कर रहे थे जी लोडिंग की, अब लोडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो रेड इंटीरियर है वो ऐसे नहीं आया कि मतलब
फैक्ट्री से गए और ऑर्डर किया और सीधा अपने को रेड दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें रेड इंटीरियर लोडिंग्स ली गई है, आप बैठोगे आपको फील होगा कि ड्राइव कर रहे हैं। अगर रिवर्स कैमरा बहुत जरूरत होती है आज के टाइम में, राइट राइट, क्योंकि हम कहीं भी लेके जाते हैं हमें पार्क करनी पड़ती है गाड़ी, तो हमें कैमरा रिवर्स कैमरा बहुत जरूरत है। मैंने आगे भी सेल करी थी तो उसमें लोडिंग्स नहीं थी कैमरा। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कही। एक बार मैंने भी Z4 करी थी तो उसके अंदर रिवर्स कैमरा था एंड आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि भैया इतनी महंगी गाड़ी और रिवर्स कैमरा नहीं। तब मुझे पता लगा ये सब लोडिंग होती है। अब इसके अंदर रिवर्स कैमरा है, बहुत अच्छी बात है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर सब कुछ है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी का जो कन्वर्ट करने का जो बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो कैसी परफॉर्मेंस है जी गाड़ी? परफॉर्मेंस वही 355 BHP पार है इसमें। हम चलाते हैं तो हमें फील होती है पार। एक थ्रॉटल, आओ फिर आओ साथ आओ। तो हिमांशु भैया फिर ड्राइव पे निकले फिर अब हैं, एक बार बेल्ट लगा लेते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि सेफ्टी अपनी अपनी होती है। हाँ, सेफ्टी जरूरी है, तो बेल्ट लगा लेते हैं। और ये रहे जी हम दोनों भाई, 3 लीटर चला रहे हैं जी, 2 लीटर नहीं है और बहुत बढ़िया है ये कार, कन्वर्टेबल है। तो आप देख ही सकते हैं जो मजा है कन्वर्ट करके चलाने का वो कितना बढ़िया है। अब 300 कितनी BHP बताई थी आपने? 355 है जी ये। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके लोगों को काफी ज्यादा सवाल रहते हैं कि क्या कहते हैं आप इस ग्राउंड क्लियरेंस? आज के टाइम में कुछ मैटर रह नहीं गया, क्योंकि रोड्स हमारी बहुत अच्छी बन गई है। कभी कभार एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि हाँ कोई पैच खराब होता है। हाँ। जो 2 सीटर चला रहा है उसको पता है कि रोड्स इंडिया में कैसी है, वो ले रहे हैं ना। हाँ। तो फिर भी थोड़ा सा अगर ध्यान से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा भगाते हैं और तब आप देखेगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओहो ओ भाई साहब, बस 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 भाई साहब, सुपर 70 की स्पीड तो ऐसे पकड़ लेती है जैसे कोई मजाक ही हो रहा हो। 4.5 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, 0 to 100। ओके, 4.5 सेकंड्स। अब यहीं से रिवर्स कर लेंगे भैया, तो आपको रिवर्स कैमरा भी पूरा, रिवर्स कैमरा भी। अब ये देख लीजिए यहाँ पे इसके अंदर नेविगेशन भी दोस्तों आपको दिखता है। और एक चीज और है इस गाड़ी की कि इसके अंदर हेड्सअप डिस्प्ले देखी मैंने, हेड्सअप डिस्प्ले भी है और डिजिटल ऑडोमीटर भी है। रिवर्स कैमरा आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए आप। और यहाँ पे भी आप देखते हैं सारे आपको मीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये इसकी यहाँ पे गियर नॉब है, मीडिया के कंट्रोल है। देन एक बार साइड में लगाएंगे तो ये देख लीजिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये डिजिटल ऑडोमीटर आया था डिस्प्ले इसका। 10.25 इंचेस की इसकी स्क्रीन होती है, ठीक है। इस कंपनी से ये सारी टच अभी एक बार दिखाएंगे। दिस इज ऑल टच नेविगेशन, आप इसमें एप्पल कारप्ले सब कुछ सब कुछ। अच्छा, ब्लैक के साथ रेड इंटीरियर जच रहा है, लेकिन है एक पैटर्न स्पोर्ट्स कार के लिए, रोडस्टर के लिए यही सेट करे गए। अभी एक बार यहीं पे रोकते हैं और एक बार मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसकी, कि जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, अब हम लोग थक गए हैं भाई से कन्वर्टेबल चला के, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे जैसे हिमांशु भी अभी करने वाले हैं। तो आप देखिएगा पीछे की जो रूफ है वो कैसे निकल के आएगी, देखना कितनी इजीली, मतलब कुछ ही सेकंड्स में आप देख लीजिएगा कितना डार्क माहौल हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादा टाइम लगता नहीं जी। हाँ जी भैया, क्या कहना है आपका, क्या रिव्यू है कन्वर्ट करके या फिर वैसे? गर्मी है ना। हाँ, ऐसे ही चलते हैं। तो अभी चलते हैं भाई ऐसे एक बार और। अब ना इसकी जो हेडसअप डिस्प्ले ये दिख रहा होगा, हेडसअप डिस्प्ले में आपको किलोमीटर्स दिख रहे हैं, मैं जैसे थ्रॉटल कर रहा हूँ किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं। ये एक वैसे एडवांटेज ही होती है एक तरह से, अगर हेडसअप डिस्प्ले अगर आपको मिल जाती है तो। क्या ये भी एक लोडिंग का पार्ट ही होगा? ये भी लोडिंग का पार्ट होता है। अच्छा जी, अरे सब कुछ ही लोडिंग है क्या इसके अंदर? लोडिंग जैसे कस्टमर ने परचेज करी हो, लोडिंग होती है, कोई अपनी यूसेज के हिसाब से यूज करता है। तो ये तो फिर ये बात होगी कि अपने हिसाब से आप एक गाड़ी को कस्टमाइज कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये एक बहुत अच्छा कंपनी की तरफ से ऑफर्स होते हैं कि हाँ आप अपग्रेड करिए अपनी यूसेज के हिसाब से करिए। तो भाई अभी हम इसकी ड्राइव ले रहे हैं और बहुत ही शानदार है भैया, और स्पेस भी मतलब अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट है, अगर मैं पीछे कर दूं पूरी सीट अपनी तो काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लेगरूम तो मिल ही जाता है, और भैया के पास भी काफी सही स्पेस है, मतलब टॉल गाय को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं भी बहुत आगे करके बैठा हूँ। कितनी हाइट होगी आपकी? मेरी 5'11" है। 5'11" और आप कंफर्टेबली बैठे? कंफर्टेबली बैठा हूं, अभी मैं और पीछे कर सकता हूं। ये देख लीजिए मैं बिल्कुल पीछे कर चुका हूं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे एसी के, जो कि ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसके अंदर मिल जाता है, वॉल्यूम के कंट्रोल। देन यहाँ पे इसके अंदर वायरलेस चार्जर है या नहीं? वायरलेस चार्जर क्या कह रहे हो? लोडिंग नीड नहीं थी क्योंकि आजकल USB से भी चार्ज होता है, जिसकी जितनी नीड है। अब ये देखो मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये देख लीजिए, अब जस्ट 1 क्लिक मैंने बटन दबाया और ये देख लीजिए, अब देख लीजिए कितना मैसिव फर्क पड़ जाता है किस गाड़ी को, इसकी रंग रूप ही बदल जाता है। वैसे इसका जो प्राइस रहेगा नई का अप्रोक्सीमेटली कितना होता होगा?
ये नई का प्राइस 1 crore अराउंड है। 1 crore की है गाड़ी? हाँ जी भैया, लोडिंग्स के साथ और एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन हो जाते हैं। इसके तो 3-3, 2-2, 4-5 lakh रुपए की तो ऐसी लोडिंग हो जाती होगी। ये लोडिंग्स के जैसे कि इंटीरियर है, ये ही लोडिंग कम से कम 7-8 lakh रुपीस की होगी। अरे बाप रे बाप, अब ये देख लो 7-8 lakh की लोडिंग में। यहाँ पे भी है, ये ओपन हो जाएगा मेरे ख्याल। हाँ जी, यहाँ पे कप होल्डर आ जाएंगे, यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। राइट राइट, देन स्टेयरिंग अगर हम देखेंगे कितने किलोमीटर चल रही है, एक बार हम वो भी देख सकते हैं भैया। ये अगर बात करें इस टाइम 17,605, ये एक पेट्रोल इंजन कार है। राइट, पेट्रोल। माइलेज के बारे में लोग काफी ज्यादा पूछते हैं, क्या कहते हो? ये आपने माइलेज के बारे में पूछा ना, माइलेज हर कोई कंपनी अपनी अपनी क्लेम करती है। अच्छा, ठीक है। इसमें ना मोड्स दे दिया गया है, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको प्रो, एडेप्टिव। ये मोड्स इसीलिए होते हैं माइलेज के लिए, कैसे चला रहे हैं, इको मोड में चला रहे हैं तो आपको एवरेज अच्छा मिलेगी। कंपनी का क्लेम करती है 11-12 की, बट प्रैक्टिकली बात करें मुझे लगता है कि 9-10 की तो मिलती ही होगी। मतलब ये मोड्स के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, मोड्स का बहुत फर्क पड़ता है। आप स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे तो आपको 2-3 क्या कहते हैं, मतलब 4-5 तो मिल ही जाएगी, 5-6 की मिलेगी आपको। हाँ सही बात है भाई, मोड से तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। 3 लीटर का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, इनलाइन 6 सिलेंडर, तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाएंगे, पावर टेस्ट करेंगे तो यकीनन ये माइलेज थोड़ी सी डाउन देगी, बट इको पे चलाएंगे तो माइलेज अच्छी मिलेगी आपको सिटी ड्राइव में। फ्रेमलेस डोर है, हर चीज इसके अंदर बिल्कुल इंटैक्ट है। अलॉय व्हील्स देख लो, गाड़ी देख लो। अब बात करते हैं इसकी सीधी सीधी मुद्दे की कि क्या डील हो सकती है इस कार की। हिमांशु भैया ओवर टू यू, शुरुआत से शुरू करेंगे। 2019 मॉडल है ये। हाँ जी, ब्लैक विद रेड इंटीरियर। हाँ जी, सिंगल ओनर कार है। प्राइसिंग की बात करें, आर आस्किंग प्राइस 82.75। तो अगर मैं 1 crore से कंपेयर करूँ तो तकरीबन 18-1 lakh रुपए तो अपने सेव हो ही जाएंगे मोटे मोटे। भैया 18 lakh रुपए आप देख रहे हो, सिर्फ आप गाड़ी का प्राइस देख रहे हो 18 lakh रुपए, जो लोडिंग जो उसके पैसे। अच्छा, उसके अलग हो गए, तो मतलब 1 crore प्लस है ये, तो आपको मिलेगी 82 lakh रुपीज में, जो की एक विद लोडिंग्स, जो की एक नेगोशियबल प्राइस है। आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हिमांशु भैया आपको डिटेल बता देंगे कि कहाँ पे आना है, कैसे आप डील क्रैक कर सकते हैं। भैया एड्रेस आपको पता है, हमारा शोरूम राजौरी गार्डन में। हाँ जी, C4 राजौरी गार्डन, आप आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, आप स्टॉक जितना भी स्टॉक अपलोड होता है सारा आपको फ्रेश स्टॉक मिलेगा। ठीक है, और नंबर है ऑटोबेस का 8885888866। ठीक है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए, और पीछे जो जैगुआर है दोस्तों उनके लिए भी, क्योंकि वो भी ऑटोबेस इंपीरियो के स्टॉक से आई है, वो भी हम शूट कर रहे हैं आज आप सबके लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो करें सब्सक्राइब, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए माय कंट्री मैटर, एंड थैंक यू सो मच हिमांशु भैया फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। और बाय का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू जी।